चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं और बताते हैं आपको ज्ञान की 8 बातें जो नीलकंठ पक्षी के द्वारा वार्तालाप में कही गई है। और यह देवी माँ की वाणी एक कहानी के आधार पर कहा गया है कि विद्वान लोग कहते हैं कि ये देवी माँ की वाणी, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। आखिर निर्धनता यानी गरीबी क्यों सभी के पास है या गरीब क्यों रहते हैं? किन बातों को फॉलो न करने की वजह से लोग गरीबी में ही रह जाते हैं, है ना? इससे ऊपर उठना है तो थोड़ा सा ये 8 बात पर ध्यान दे दीजिए। देखिए, पहला है, बात ज्ञान की है कही मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरका है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरका है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। दीन का यहाँ पर अर्थ है गरीबी से। चौथा है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अब आप। पांचवा है, दोष समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठा है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। सातवां है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। और अंतिम है आठवां, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इन 8 बातों को ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने एक और 8 बातें आएंगे जिससे लक्ष्मी माँ क्यों दूर हो जाते हैं इसके विषय में रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।